नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चले न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे महत्वपूर्ण खबर की। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। आईपीएस रवि मेहरड़ा ने एसीबी डीजी का पदभार ग्रहण कर लिया है। एसीबी मुख्यालय में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया जब उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे एसीबी के एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी डॉक्टर रवि रणधीर सिंह ने उनका स्वागत किया। तो अहम तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राजधानी जयपुर में एसीबी मुख्यालय में पहुंचे एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों ने, जिसमें रणधीर सिंह भी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। तो रवि मेहरड़ा ने एसीबी डीजी का पदभार ग्रहण कर लिया है, उस वक्त की खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी ये पल, ये क्षण, जब नई जिम्मेदारी मिलती है, नई कुर्सी पर विराजित होते हैं। और अब वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रवि मेहरड़ा एसीबी डीजी का पदभार ग्रहण करते हुए। और सबसे खास ये भी है कि जिस ऑफिस में वो बैठे हैं वहां पर टीवी स्क्रीन लगी है और उस पर फर्स्ट इंडिया न्यूज हर कोई देखता नजर आ रहा है। नजर में, लेकिन वो सोशल मीडिया के मार्फत जो है वो लगातार अपनी पीड़ाएं जाहिर कर रहे हैं और उन केसेस को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे केसेस जैसे लगातार मैंने देखे इन दिनों, तो क्या कुछ पुराने केसेस को लेकर के रिव्यू किया जाएगा? अब जैसे जो भी नया आदमी आता विभाग में, जो भी मुखिया आता, वो रिव्यू तो करता ही है, तो रिव्यू बिल्कुल होगा और हम देखेंगे कि किस केस में हम कितना, जो सबसे पुराने हैं, जो इस तरह के केसेस हैं जहां किसी की कोई व्यथा है, उसको हम क्लियर करेंगे। अगर व्यथा में कोई दम नहीं है तो हम बताएंगे कि बिल्कुल ये सबूत है, और अगर कुछ उसकी व्यथा में दम है और आगे तक हम उसको कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे तो उस पर भी विचार होगा, निश्चित रूप से विचार होगा। तो सुना आपने, अब आगे की प्राथमिकताओं को उन्होंने गिना दिया है और जब उन्हें रिसीव करने के लिए अधिकारी पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवि मेहरड़ा ने एसीबी डीजी का पदभार ग्रहण कर लिया है, बेहद खास क्षण, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हुए। और इसके अलावा जब मीडिया से रूबरू हुए तो फर्स्ट इंडिया के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई कि भविष्य में उनके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या रहने वाले हैं। संसाधन है, जिस तरह का कानून है, इस गैप को हमें कम करना है। उस गैप को कम करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, उनकी जो शिकायतें हैं भ्रष्टाचार के बारे में या सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार को लेके एक आम धारणा है, उस धारणा को हम किस तरह से कम करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं वो एसीबी के कार्यप्रणाली से उन पर प्रभाव पड़े और एसीबी का जो एक क्रेडिबिलिटी या इकबाल है, कानून कई बार इकबाल से चलता है, तो हम वो इकबाल कायम करना चाहेंगे एसीबी का, जिससे कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पहले सोचें कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद भी ये लगना चाहिए उनको कि उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। अपराधी जब तक अपराध करता रहता है, जब तक उसको ये एहसास रहता है कि कानून कोई बहुत ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो अगर हम कानून को अगर हम मजबूत करते हैं और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कन्विक्शन तक ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर एक अंकुश लगता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और दूसरे जो लोग इसमें लिप्त होना चाहते हैं या प्रवृत्ति उनकी है तो उनको सोचना पड़ता है इस तरह का जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए, उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जो चीजें सामने आई है, सवाल खड़े हुए हैं एसीबी की, कुछ लोगों की वजह से एसीबी की जो कार्यप्रणाली है वो भी सवालों के घेरे में आई है। एक मुकदमा हाल ही में दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं और क्या प्रयास रहेंगे इस तरह के लिए? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर केस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके